हेलो दोस्तों, मैं सूरज आज आपकी नई वीडियो के साथ आए। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट आ रहा था मेरे पास कि सर जो इंडियन आर्मी है बरेली एआरओ के लिए हमारा एडमिट कार्ड शो नहीं हो रहा है या हो भी गया है बहुत से स्टूडेंटों का। देखिए सारा एक ही रीज़न है इसका, मतलब कि क्यों नहीं हो रहा है। रीज़न ये है, देखिए आपके पास आपके ईमेल पर याद रखना, अपने जो आपने ईमेल डाल रखा है उसको चेक करते रहिए, उस पर मैसेज आएगा आपकी ईमेल पर, ठीक है ना। आपके फ़ोन पर मैसेज आएगा, उन्हें हमेशा इनकमिंग कॉलिंग जो होती है ना, एक्चुअली जो 35 रुपये का रिचार्ज होता है, यदि किसी के फ़ोन में नहीं होता तो मैसेज भी नहीं आते। तो याद रखना आपने जो भी नंबर लगाया है, ठीक है ना, फॉर्म पे जो नंबर फिल किया है, तो वो यार नंबर हमेशा ऑन रहना चाहिए, उस पर मैसेज भी आएगा, कभी भी किसी वक्त भी आ सकता है। और हमेशा याद रखो आप डेली बाई डेली अपने एडमिट कार्ड को चेक करते रहिए, ठीक है ना। किसी कारणवश नहीं भी आता तो ये मत सोचिए कि हम नहीं आता तो हम चेक नहीं करेंगे, ठीक है। आपको चेक करने की एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप एडमिट कार्ड को कैसे चेक करेंगे, ठीक है। और एक बात और बता दूँ मैं आपको, जो भी बरेली एआरओ के जितने भी स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, रेस लगाने के बाद यदि आपकी रेस क्लियर हो जाए, ठीक है, तो एक बार मुझे आप कॉल कर लेना, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम आ रही है एक्स वाई जेड, तो ठीक है ना, किसी प्रकार से हेल्प चाहते हैं मुझसे तो एक बार मुझे कॉल कर लेना, ठीक है, हम लोग आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना, बरेली मिल लेंगे किसी जगह, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखना। और मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ, देखिए आपको एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है इसकी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं आज आपको। तो देखिए क्या है आपको इन्फॉर्मेशन, आपको देखिए यहाँ क्या जाना है, सिंपली मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ज्वाइन इंडियन आर्मी का, आप किसी भी क्रोम वगैरह कहीं भी खोल लीजिए, ज्वाइन इंडियन आर्मी .nice.in पे जैसे खोलेंगे तो एक कैप्चर टाइप का आएगा, तो उस पहले तो आपको कैप्चर फिल करना पड़ेगा ना, कैप्चर रेट पे गए उसको फिल करना, उसके बाद में आपको ये साइट खुल जाएगी, ठीक है, आपकी जो सोशल साइट खुल जाएगी। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए यहाँ एक नीचे जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर एक देखिए साइट में आपको ये इस प्रकार से करेंगे, तो यहाँ आपको एक बॉक्स टाइप का आ रहा है, देखिए यहाँ देखिए लिख के आ रहा है अप्लाई और लॉग इन, ठीक है, आ रहा है ये चीज़, ये आपको यहाँ मिलेगा देखने को ये चीज़, ठीक है ना। नीचे करेंगे तो यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ टच कर देना है, जैसे ही आप इसे टच करेंगे तो सिंपली आप देखिए जो साइट पे खोलने वाला है वो इस प्रकार से खुलेगी, मैं आपको दिखा देता हूँ। और आपको डेली बाई डेली चेक करना है, ठीक है, एडमिट कार्ड को चेक करते रहिए, ठीक है। किसी कारणवश आपके पास ईमेल नहीं भी आया, मैसेज नहीं आया, तो उसके भरोसे मत रहिए, क्योंकि आपको देखिए 4 तारीख से तो जैसे ना कि आपको 4 तारीख से और 17 तारीख तक, ठीक है, ठीक है ना, 4 तारीख से 17 तारीख तक आपके एडमिट कार्ड सारे के सारे लोगों के आ जाएंगे, ठीक है ना, सारे के सारे लोगों के आ जाएंगे। इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि आपको 11 दिन, मतलब कि 4 से 7, मतलब कि लगभग में 11-12 दिन आपको चेक करना है बस, ठीक है ना, लगभग 15 दिन, 15 दिनों के अंदर आपको सभी के जो है वो एडमिट कार्ड शो हो जाएंगे, अनेबल हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो लॉग इन कर उस पर टच करने के बाद में सिंपली इस प्रकार की साइट खुलेगी आपकी, ठीक है ना। तो न्यू वर्जन जैसे कि आपको कोई जो ना सिंपली दिखाया कि नया पंजीकरण करने के लिए पहला पंजीकरण है, तो हम जब पहले ऑलरेडी पंजीकरण रजिस्ट्रेशन है तो हमें क्या करना है, देखिए आपके पास एक यूज़र आईडी होगा जिसे यूज़र नेम कहा जाता है, यूज़र नेम होगा आपका, तो वो आपको यूज़र नेम यहाँ फिल कर देनी है, ठीक है ना। और आपको पासवर्ड भी पता होगा, ठीक है ना, पासवर्ड डाल देना है, और जो कैप्चर दिख रहा है ये कैप्चर ये यहाँ डाल देना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी आप सिंपली जा सकते हैं, ठीक है। और आप इतना करने के बाद में फिर आपको नीचे देखिए लॉगिन पर यहाँ टच करना होगा, लॉगिन पर जैसे ही पासवर्ड और कैप्चर सब कुछ फिल करने के बाद में आप लॉगिन पर टच करेंगे, ठीक है ना। तो आपको फिर ये इस प्रकार का आपको साइट देखने को मिलेगी, इस प्रकार की आपको साइट देखने को मिलेगी। देखिए इस साइट में क्या होगा कि आपको देखिए यहाँ देख कहेगा कि वेलकम, और आपका ऊपर नाम होगा लिखा हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में देखिए यहाँ क्या है, देखिए बरेली एआरओ की बात कर रहा हूँ, सारे के सारे स्टूडेंट, ठीक है, और रेस लगाने के बाद मुझसे एक बार ज़रूर कॉल कर देना, एक मैसेज, देखिए कॉल यदि मैं एक्सेप्ट ना कर पाऊँ तो मुझे एक मैसेज लिख देना, टेक्स्ट मैसेज लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, व्हाट्सएप पे मैसेज लिख देना, मैं लाइव करूँगा, ठीक है। आप देखिए मैसेज करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, ठीक है, कि सर मैंने रेस निकाल दी, बस इतना कह देना, उसके बाद जो भी होगा वो देखा जाएगा, ठीक है ना। बाद में मिल लेंगे हम आपसे, और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम वो कोशिश करेंगे आपको 100% कराने की, ठीक कराने की, ठीक है ना। तो एक बार हमें ज़रूर बता देना। और यहाँ देखिए बात करने वाले हैं, और जो देखिए आपका सब कुछ यहाँ दवाई और डेटा वगैरह जो भी आपने भरा होगा सिंपली यहाँ किसी आपने कैफ़े पे भरवाया होगा, कंप्यूटर सेंटर भरवाया होगा, वो आपको सारा का सारा यहाँ से, मतलब कि आपकी इतनी ऊंचाई थी, इतना जो भी कुछ डेट ऑफ बर्थ सब कुछ होगा,
अब क्या होगा, देखिए यहाँ पर साइट में आपको ये चीज विकल्प देखे होंगे, प्रोफाइल, ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है, या आपका जो भी है चेंज पासवर्ड वगैरह, या हम मतलब कि हम एडमिट कार्ड। अब देखिए एडमिट कार्ड की बात आ गई तो एडमिट कार्ड पर टच करेंगे ना, तो सिंपली यहाँ एडमिट कार्ड पर जैसे ही आप टच करेंगे, देखिए जब सबको मिलने के बाद में आप एडमिट कार्ड पर टच कर दीजिए, ठीक है ना। एडमिट कार्ड पर जैसे टच करेंगे तो आपके सामने कुछ आपका एडमिट कार्ड, देखिए इस प्रकार से कुछ खुल के आएगा साइट। अब ये कहेगा एक फर्स्ट और सेकेंड, मतलब कि जितने आपने अब तक फॉर्म भरे होंगे, जैसे एक साल में एक ही बार तो रेली भर्ती निकलती है ना, जिसे ओपन भर्ती कहते हैं, एक ही बार तो निकलती है। तो आपने जैसे 17 से स्टार्टिंग किए हैं, 16 से भरना स्टार्टिंग किया है, तो आपके यहाँ नंबर बाई नंबर लगे होंगे सब, ठीक है ना, कि हमने देखिए 16 में ये भरा था इसने, और 17 में ये भरा था, 18 में भरा नहीं था और 19 में नहीं भरा था। तो ये जो भी है, तो हमारे जो 19 होगा लिखा होगा कि हमने तारीख को भरा था, 19 वाले के सामने जो पेंट का ऑप्शन आएगा या फिर व्यू का ऑप्शन आएगा, या तो पेंट का ऑप्शन आएगा लिख के या फिर व्यू का आता है अब, ठीक है, हम उस व्यू के ऑप्शन पर यहाँ टच करेंगे। याद रखना उस व्यू के ऑप्शन पे 2019 जो लिखा हो उसके सामने व्यू के ऑप्शन पे हम टच करेंगे। जैसे व्यू के ऑप्शन पे टच करेंगे ना, तो हमारा एडमिट कार्ड हमारे सामने शो हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा एडमिट कार्ड होगा जो, वो हमारे सामने शो हो जाएगा। फिर हम थोड़े से नीचे जाएंगे, थोड़े से नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, और यहाँ फिर देखिए इस प्रकार की एक नीचे बन के आएगी ये चीज़, ठीक है ना, PDF के लिए डाउनलोड करने के लिए। अपने फ़ोन से भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप डेली बाई डेली अपने फ़ोन से देखिए चेक करते रहिए। मैं आपसे अभी बोल रहा हूँ, ऐसा बहुत ऐसा नहीं होता, लेकिन ईमेल तो आपके फ़ोन पे आएगी ही आएगी, पक्का है, ईमेल या फिर आपकी मैसेज आएगा, ठीक है। यदि किसी कारणवश नहीं भी आता है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो भी जाती है, ठीक है, हम कुछ लोग उनसे कह थोड़ी सकते हैं, लेकिन हमें यार हमारा तो फ़र्ज़ बनता है ना चेक करने का। तो डेली बाई डेली मॉर्निंग में उठ के आप चेक कर लीजिए, किसी भी टाइम चेक करते रहिए, ठीक है ना। रेस तो आपकी वही 18 तारीख के बाद ही लगेगी, 18 से 5 दिसंबर के बीच में। तो यार इतनी रेस देखिए मैंने, और मैंने कई बार बताया कि रेस को क्या खा के आपको दौड़ना है, वो वीडियो देख लेना, क्या क्या खा के आपको दौड़ना है, ठीक है ना। मैंने खाने की चीज़ भी बता रखी है कि ये चीज़ आपको खा के दौड़नी है वहाँ, तभी आप अच्छी रेस निकाल पाएंगे, बहुत बेहतर वाली, सच्ची बता रहा हूँ। 5 रुपए की चीज़ है, वो खा लेना और इतनी बेहतर रेस निकालोगे बहुत ज़्यादा। और विश्वास ना हो ना तो आज ही आजमा के देख लेना, कल को आप रेस लगाने जाओ और वो चीज़ खा के जाना, फिर देखना कि आपकी रेस थोड़ी मतलब वेस्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है ना, ठीक है ना, ये क्लियर कर लेना। और वो मैंने बता रखी पूरी वीडियो, आप देख लेना क्या क्या खाना है आपको, कितने टाइम, ठीक है, वो खा के जाना है। और देखिए बहुत सारे लोग मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिन वाले लेना, दवाई वगैरह खा लेते हैं, वो मत खाना क्योंकि मेडिकल में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। तो वैसे आप हेल्थ सेल्थ के केयर जो भी एक्चुअली जो भी मतलब सिस्टम है, खाने की चीज़ है, ठीक है, वो खाते रहिए दवा के, कि नहीं है, अंडा मुर्गा जो भी खाना है, चिकन वगैरह सब कुछ खाइए। देखिए यार आर्मी में बताए उससे, अब देखिए हम जितनी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं उतनी तो हमारे अंदर आनी चाहिए ना। तो आप अच्छी तरीके से मतलब कि पूरा भोजन लीजिए और आराम कीजिए, ठीक है ना, ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि रेस लगाइए उसके बाद आराम कीजिए, ठीक है ना। दोनों टाइम लगा रहे हैं सुबह शाम में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दो टाइम लगा रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन आराम ज़रूरी है, ठीक है ना, बॉडी के लिए आराम ज़रूरी है। रेस लगाइए, फिर आराम से लेटिए, घूमिए, लेकिन कोई मेहनती काम मत करिए, ठीक है ना। कुछ दिन रेस लगाने के बाद जितने चाहो उतने कर लेना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेस से पहले मत करो, ओके। और अभी छुट्टा खाइए दबा के, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर कर देना, और हाँ जो मैंने कहा है तुमसे वो बात ध्यान रखना, कोई प्रॉब्लम आती है XYZ तो हमें बता देना, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, प्यारे प्यारे हो, क्योंकि उन्हें भी यार इस बारे की इन्फॉर्मेशन में पता चल जाए, ठीक है। तो गुड बाय, बरेली ERO के सारे स्टूडेंटों के लिए ये वीडियो थी, थैंक यू।